गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ट्रांजिस्टर बायसिंग एंड बायस्टेबिलिटी के दूसरे लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। पहले लेक्चर में हमने ऑपरेटिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा था एवं समझा उसे। आज हम लोड लाइंस के बारे में बात करेंगे। लोड लाइंस बेसिकली दो प्रकार की होती हैं, एसी लोड लाइन एवं डीसी लोड लाइन। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो यूनिट है, यह तीसरी यूनिट है EL204 की एवं CS204, यानी कि यह कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है 204, उसमें यह कॉमन यूनिट है और ये दोनों सब्जेक्ट कॉमन चलते हैं। तो मैं यह दोनों ही ब्रांचेस के लिए लाभदायक वीडियो रहेगा, ऐसे मैं कामना करता हूँ। तो आइए देखते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में। जो यह सेकंड टॉपिक है इसी यूनिट का, डीसी एंड एसी लोड लाइन। अब लोड लाइन बेसिकली होती क्या है, देखिए लोड लाइन में क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है। जब मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर करंट लिया जाता है तो वह वाई एक्सिस पे लिया जाएगा उसी प्रकार से। और इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट, यानी जब मैक्सिमम धारा प्रवाहित होगी तो वह सैचुरेशन पॉइंट कहेगा। उसी प्रकार से जब मैक्सिमम पॉसिबल कलेक्टर एमिटर वोल्टेज कंसिडर किया जाएगा तो वह एक्स एक्सिस पे लिया जाएगा और इस पॉइंट को हम कट ऑफ पॉइंट कहेंगे। और जब इन दोनों बिंदुओं को जोड़ते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए तो उसे क्या कहेंगे हम, लोड लाइन। तो लोड लाइन बेसिकली है क्या, यह जो कलेक्टर मैक्सिमम कलेक्टर करंट है यानी कि सैचुरेशन पॉइंट तथा मैक्सिमम कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज यानी कि कट ऑफ पॉइंट, दोनों को पॉइंट को जानते हुए जब एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाती है तो उसे लोड लाइन कहा जाता है। तो लोड लाइन एक और इसकी डेफिनेशन है कि यह लोड पर निर्भर करती है, यानी कि वेरिएशन करते जाइए। अगर आप वेरिएशन करेंगे तो हमें अलग अलग लोड पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो यह इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करने पर यह लोड लाइन बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोड लाइन दो प्रकार की होती है। देखिए, एक होती है एसी लोड लाइन, एक होती है डीसी लोड लाइन। बेसिक सी नाम की बात है कि जब डीसी कंडीशन के अंतर्गत लोड लाइन बनाई जाए तो वह डीसी लोड लाइन कहलाएगी। और जब एसी इनपुट सिग्नल प्रेजेंट हो एवं जो हम जो उसके कलेक्टर करंट एवं कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज दोनों पॉइंट को जोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ करें, वह एसी लोड लाइन कहलाएगी। और जो लोड लाइन होती है, और यानी कि जो लोड लाइन है एवं जो आउटपुट करेक्टरिस्टिक हैं सारी, इन दोनों के इंटरसेक्शन को क्या कहेंगे हम, क्यू पॉइंट कहेंगे। तो बेसिक सी बात है, एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन का जो क्यू पॉइंट है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का सेम है। तो यानी कि क्यू पॉइंट आपका क्या रहना चाहिए, बेसिक सी बात है, स्टेडी रहना चाहिए, यानी कि स्थिर रहना चाहिए। तो हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं क्यू पॉइंट मस्ट बी स्टेबल, यानी कि जो उसके फैक्टर्स हैं अगर वो अफेक्ट भी करते हैं तो हमें स्टेबिलिटी या स्टेबलाइजेशन का उपयोग करना है। इनकी चर्चा हम आगामी लेक्चर में करेंगे, परंतु क्यू पॉइंट आपका हमेशा स्थिर रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से विभिन्न, यहाँ पे देखिए एसी लोड लाइन क्या है, लोड वेरिएशन है। तो एसी लोड लाइन और डीसी लोड लाइन में थोड़ा सा अंतर है। अब इसको देखते हैं, समझते हैं। अगर देखिए, अब सबसे पहली बात करते हैं डीसी लोड लाइन की। अगर लोड लाइन जब डीसी बायसिंग लगाई गई हो किसी ट्रांजिस्टर को और उस समय किसी प्रकार का इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया हो तो वह लोड लाइन क्या कहलाएगी, डीसी लोड लाइन कहलाएगी। तो जो पिछले डायग्राम में देखा था कि डीसी लोड लाइन जो बिल्कुल डार्क लाइन से दर्शाई गई है उसे डीसी लोड लाइन कहा जाएगा। और जो क्या होगा, अगर वेयर इज़ द लोड लाइन ड्रोन अंडर कंडीशन व्हेन इनपुट सिग्नल अलोंग विद डीसी वोल्टेज, यानी कि डीसी वोल्टेज के साथ साथ एसी सिग्नल भी लगाया जाए तो वो लाइन कौन सी कहलाएगी, एसी लोड लाइन। तो अब आप समझ सकते हैं कि डीसी लोड लाइन केवल डीसी सिग्नल, यानी कि जब ट्रांजिस्टर केवल डीसी सप्लाई यानी कि डीसी वोल्टेज या डीसी बैटरी के द्वारा सप्लाई दी जाए। और एसी लोड लाइन में क्या होगा, एक इनपुट सिग्नल भी अप्लाई किया जाएगा डीसी सिग्नल्स के साथ, तो उससे जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एवं जो कलेक्टर करंट निकल के आएगा उन दो पॉइंट्स को जोड़ के एसी लोड लाइन बनाई जाएगी। अब डीसी लोड लाइन देखते हैं कैसे ज्ञात की जाती है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब किसी ट्रांजिस्टर में कोई भी गिवन विद बाइस, यानी कि जब उसको बाइसिंग दी जाती है यानी कि सप्लाई दी जाती है और कोई भी सिग्नल अप्लाई नहीं किया जाता इनपुट में, तो लोड लाइन जो बनती है वह डीसी बनती है, ये हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कोई भी सिग्नल प्रेजेंट नहीं है और एक ट्रांजिस्टर है, यह कॉमन एमिटर मोड में है।
यहाँ पे जो इनपुट साइड पे करंट है आई बी है और आउटपुट साइड पे आई सी है, और जो आउटपुट वोल्टेज है कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है, और आउटपुट हम लोड रेजिस्टेंस यानी कि आर सी पे प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे केवल डीसी सप्लाई है वी वी ई और वी सी ई। अब इससे हम दो पैरामीटर निकालेंगे, कौन कौन से, एक तो आई सी निकालेंगे और वी सी निकालेंगे। अब देखिए इस सर्किट में केवल लगाते हैं अपन, इस वाले सर्किट में अगर मैं आउटपुट साइड पे जो केबल लगाता हूँ तो क्या आएगा, देखिए ये आउटपुट साइड पे केबल का मैंने लूप लगाया है, तो जो आएगा वो आएगा वी सी ई बराबर वी सी सी माइनस आई सी आर सी। यह हमारे पास क्या आएगा, इस सर्किट की एक्सप्रेशन आएगी। अब इससे हम इसी एक्सप्रेशन से हम क्या निकालेंगे, आई सी और वी सी ई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी सी ई निकालने के लिए आई सी को जीरो रख देते हैं इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास वी सी ई की वैल्यू क्या आएगी, वी सी सी, वो यहाँ पे पॉइंट पे हमने वी सी ई की वैल्यू दर्शा दी है। और आई सी की वैल्यू, आई सी की वैल्यू निकालने के क्या करेंगे, हम वी सी ई इक्वल्स टू जीरो रख देंगे, यानी कि जीरो रख देंगे। तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो क्या आएगा, आई सी बराबर वी सी सी डिवाइडेड बाई आर सी। जब आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो आई सी इक्वल्स टू वी सी सी डिवाइडेड बाई आर सी। इन दोनों का मैं पिछले साइड में मैंने आपका वर्णन किया था कि लोड लाइन जो कि कलेक्टर करंट है जब सेचुरेशन में हो उस पॉइंट को, तथा कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज जो कि कट ऑफ पॉइंट है, इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल के जो लाइन क्रिएट होती है उसे लोड लाइन कहते हैं। यानी कि ये वाला पॉइंट क्या है, सेचुरेशन का पॉइंट है, यानी जब अधिकतम धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और ये वाला क्या पॉइंट है, यह कट ऑफ पॉइंट है, इस पर करंट का मान बिल्कुल ज़ीरो है, जैसे कि यहाँ देखिए कट ऑफ है और यह सेचुरेशन स्टेट है। तो इन दोनों पॉइंट को जब जोड़ा जाता है, ये डीसी कंडीशन की बात हो रही है अभी, तो ये जो लाइन बनेगी वो क्या बनेगी, डीसी लोड लाइन, तो यह कहलाती है डीसी लोड लाइन। अब देखिए यहाँ पर इंटरसेक्शन ऑफ हो रहा है इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स के बाद, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन पे क्या मिलेगा आपको, जैसे यहाँ मिल जाएगा एक पॉइंट, ये क्यू पॉइंट बन मिल सकता है आपको, ये इंटरसेक्शन पे क्यू पॉइंट मिल सकता है और ये इंटरसेक्शन पे, ये तीनों पॉइंट अलग अलग पोजीशन को दर्शा रहे हैं क्यू पॉइंट की। एक तो है सैचुरेशन पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट है एक्टिव, और ये वाला पॉइंट है कट ऑफ। तो इस प्रकार से यह दिखा रहे हैं आपको तीन पोजीशन क्यू पॉइंट की। अब आगे बात करते हैं एसी लोड लाइन की। एसी लोड लाइन की, जब डीसी लोड लाइन जो हमने पिछले में डिस्कस किया, अब क्या करते हैं, कोई भी हमने एसी वोल्टेज नहीं लगाया था, और जब एसी वोल्टेज दिया जाता है, यानी कि डीसी लोड लाइन के साथ साथ डीसी सिग्नल के साथ जब एसी वोल्टेज यानी कि इनपुट सिग्नल भी दिया जाए, तो क्या होगा, उससे डीसी सिग्नल के अराउंड पीक टू पीक वेरिएशन होगा आपके इनपुट सिग्नल का, जिससे मैक्सिमम स्विंग मिलेगी इनपुट की। और जब हम उस सर्किट को, जब उस सिग्नल को कंसीडर करेंगे, उससे दो हमें वापस वही क्वांटिटी मिलेगी, एक तो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज और कलेक्टर करंट। तो इन दोनों को जब, इन दोनों पॉइंट से को जब कनेक्ट करेंगे तो एसी एसी लोड लाइन प्राप्त होगी। तो इस केस में क्या होता है, डीसी वोल्टेज बिल्कुल कांस्टेंट रहती है, परंतु एसी सिग्नल लगाते हैं तो उसका एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि पीक टू पीक वोल्टेज और पीक टू पीक करंट की वैल्यू दोनों ही ली जाती हैं, क्योंकि एसी सिग्नल प्रेजेंट है। तो अब देखिए ऐसे सिग्नल में देखते हैं, जैसे यहाँ पे इनपुट सिग्नल एसी के रूप में है, ये आपका क्या है, एक ट्रांजिस्टर। इसमें हमने डीसी कंडीशन को अभी कंसिडर नहीं किया है, कि हम केवल एसी की बात करें। देखिए जो ये आरसी सिग्नल है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या है, एक तो कलेक्टर एवं इनपुट रेजिस्टेंस दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, जो आरसी के इक्विवेलेंट आएगा। इसको मैं ज़्यादा डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा, इसको हम आगामी लेक्चर्स में बता चुके हैं। और साथ ही साथ देखिए, जब इस सर्किट को सॉल्व किया जाएगा, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, उसके साथ पैरेलल होने से आरसी और आर1 का पैरेलल आरसी प्रोवाइड करेगा आपको, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वीसी की जो वैल्यू आएगी इस पूरे सर्किट में, अगर हम लूप लगाते हैं, तो आएगी वीसी इक्वल्स टू आरसी पैरेलल आर1 इनटू आईसी। और यहाँ पर आईसी की वैल्यू क्या है, आईसी पैरेलल आर1। तो ये जो वैल्यू आएगी इसकी, तो वीसी की वैल्यू क्या आएगी, आईसी, इससे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। परंतु ये मैक्सिमम स्विंग है, यानी कि यह केवल इनपुट सिग्नल किसकी वजह से है, एसी की वजह से। तो एसी सिग्नल प्लस डीसी सिग्नल जो इससे कलेक्टर एमिटर वोल्टेज निकलेगा, वह आपका एसी लोड लाइन के लिए यूज़ किया जाएगा। तो ये तो केवल एसी सिग्नल के लिए है। तो डीसी सिग्नल के लिए हम पहले निकाल चुके हैं वीसी की वैल्यू, यानी कि उस वीसी की वैल्यू क्या थी, आपके कट ऑफ क्षेत्र, यानी कि वीसी ई क्यू
ऑफ स्टेट में यानी कि कट ऑफ स्टेट में हम निकाल चुके हैं। तो अब देखते हैं आगे। तो अब ट्रांजिस्टर को ऑपरेट क्या करना है, अगर हमें एज एन एम्पलीफायर ऑपरेट कराना है तो क्या रहे, एक्टिव रीजन में ही रहे। तो इस वजह से क्या होगा, तो क्यूजन पॉइंट यानी कि क्यू पॉइंट को हमें ऐसे कैसे चूज करना पड़ेगा जिससे क्या है मैक्सिमम इनपुट सिग्नल आ सके एवं वह बिना क्लिप हुए एम्पलीफाई हो सके। तो क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगी वैल्यू क्यू पॉइंट के लिए हम ले सकते हैं VCEQ, और उसी प्रकार से मिनिमम वैल्यू क्या होगा इसके लिए वोल्टेज टू माइनस VCEQ। यह कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है क्यूसेंट पॉइंट पर। अब देखिए यह जो ग्राफ है यह दिखा रहा है कि एसी लोड लाइन किस प्रकार से बनेगी। देखो कट ऑफ पॉइंट पर हम निकालना है कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज, और यह सैचुरेशन पॉइंट पर हम निकालना है कलेक्टर करंट की वैल्यू को। अब देखिए ग्राफ से पता लग रहा है कि सैचुरेशन वैल्यू क्या आएगी, टोटल वाली आईसी सैचुरेशन यानी कि ये जो वैल्यू है ये डीसी की वैल्यू है, ICQ यानी कि जो हम पहले निकाली थी हमने डीसी लोड लाइन में, अब हमने उसके साथ साथ इनपुट सिग्नल एसी भी अप्लाई कर दिया है। तो उस सिग्नल के लिए जो क्यूसेंट पॉइंट के लिए कलेक्टर करंट था उसके साथ एक एडिशनल वैल्यू और जुड़ेगी, वो जुड़ेगी VCQ बटे RC। अब VCQ भी क्या है, VCQ भी डीसी लोड लाइन यानी कि डीसी कंडीशन में क्यूसेंट पॉइंट था किसके लिए, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज के लिए। तो जो टोटल करंट आएगा वो क्या आएगा, IC सैचुरेशन इज इक्वल्स टू ICQ प्लस VCQ बटे RC। अब RC की वैल्यू क्या आएगी, RC की वैल्यू है RC प्लस RC पैरेलल R1। तो इसी प्रकार से क्या होगा, वोल्टेज के लिए भी हमें पता है कि वोल्टेज में भी क्या एक्स्ट्रा कंपोनेंट जुड़ जाएगा डीसी के साथ, वो जुड़ेगा VCEQ प्लस ICQ इंटू RC। यही चीज़ इसके साथ भी जुड़ जाएगी, बस यहाँ पे एक नया पैरामीटर यानी कि एक्स्ट्रा वैल्यू जुड़ी है क्योंकि डीसी लोड लाइन में इनपुट सिग्नल प्रेजेंट नहीं था और एसी लोड लाइन में डीसी प्लस एसी। तो यह जो ICQ ये जो वैल्यू हैं ICQ और VCEQ ये दोनों क्या है, डीसी वैल्यूज़ हैं क्यू पॉइंट की, और इनमें जब एक्स्ट्रा कंपोनेंट ये जोड़े जाएंगे ये दोनों, इससे क्या मिलेगा आपको, एसी सिग्नल एसी लोड लाइन के लिए दोनों वैल्यू मिलेगी यानी कि कलेक्टर करंट मिलेगा एवं कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज मिलेगा। अब इनको जब हम सिंपलीफाई करेंगे यानी कि हम आरसी की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, IC सैचुरेशन इक्वल्स टू ICQ प्लस VCEQ डिवाइडेड बाय RC पैरेलल R1 यानी कि RC की वैल्यू रखने पे हमें दो वैल्यू प्राप्त होगी। तो इन दोनों को रखने पर हमें ज्ञात हुआ कि जो AC लोड लाइन है उसमें क्या आता है, DC प्लस AC सिग्नल की कलेक्टर एमिटर वैल्यूज़ जिससे हमें AC लोड लाइन प्राप्त होगी। तो जब AC और DC लोड लाइन साथ में बनाई जाती है तो वो इससे पता लगता है क्योंकि उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट है तो दोनों एक जैसे नहीं प्राप्त होगी, और यह दोनों के दोनों लाइंस हैं जो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वो क्या कहलाएगा, क्यू पॉइंट, यानी कि क्यू पॉइंट आपका हमेशा स्टेबल रहेगा। तो AC लोड लाइन देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे दोनों लाइनें दर्शाई गई हैं, ये वाली तो है AC जो रेड में दिखाई गई है और ये वाली DC है। लोड लाइन का बेसिक सा अर्थ है कि यह क्या है, एक पॉइंट यह बताता है कि वेरिएशन ऑफ लोड यानी कि वेरिएशन ऑफ लोड करने पर या तो करंट में वेरिएशन होगा जिससे आपकी लोड लाइन परिवर्तित होगी, परंतु इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो हमेशा स्टेबल रहना चाहिए। इस वजह से हम लोड लाइन को चर्चा में लेते हैं। अगले आगामी लेक्चर में हम पढ़ेंगे किस प्रकार से बाइसिंग की जाती है, उनके लिए विभिन्न बाइसिंग के लिए क्यू पॉइंट निकालेंगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर लोड लाइन पे। धन्यवाद।